हेलो बच्चों, आज हम आपके व्याकरण की किताब वर्तिका से व्याकरण का एक पाठ जिसका नाम कारक है, ये पढ़ने वाले हैं। अब आपने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन ये सभी कुछ व्याकरण में पढ़ लिया है। आगे हम ये कारक पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए नया है। तो कारक क्या होता है उसको समझने के लिए कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कारक क्या होता है। जैसे पहला यहाँ वाक्य मैंने लिखा, राम रावण बाण मारा, राम रावण बाण मारा। कुछ कम है, कुछ मिसिंग है, वाक्य पूरा नहीं है, यानी वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इसमें मैं कुछ शब्द ऐड करती हूँ, जोड़ती हूँ, फिर आप देखो कि आपको अर्थ समझ में आता है क्या। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अब वाक्य का अर्थ स्पष्ट हुआ, राम ने रावण को बाण से मारा। और यहाँ नदी तट अनेक वृक्ष हैं, नदी तट अनेक वृक्ष हैं, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है क्या? पता तो चल रहा है पर कुछ गलत है ऐसा लग रहा है। अब क्या गलत है? क्योंकि यहाँ कुछ शब्द गायब है। जैसे नदी के तट पर के और पर इसमें मिसिंग है, नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं, अब अर्थ स्पष्ट हुआ। अब यहाँ एक सेंटेंस है, रिक्शा चालक बच्चों उन घर पढ़ने विद्यालय रिक्शे ले जाता है, अर्थ स्पष्ट हुआ क्या? नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें से कुछ शब्द गायब। अब उनको मैं ऐड करती हूँ, उसके बाद आप ये वाक्य पढ़ेंगे तब आपको अर्थ समझ में आएगा। कैसे? रिक्शा चालक बच्चों को उनके घर से पढ़ने के लिए विद्यालय में रिक्शे से ले जाता है। अब ये पूरा वाक्य पढ़ने के बाद अर्थ स्पष्ट होगा कि रिक्शा चालक बच्चों को उनके घर से पढ़ने के लिए विद्यालय में रिक्शे से ले जाता है। ठीक, तो अब तक आपने जितने ये तीन उदाहरण देखे इसमें ये ने को से के पर को के लिए में और से, ये सारे जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में यानी वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ने का काम जो ये कर रहे हैं इन्हीं को हम कारक कहते हैं। कारक मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये छोटे छोटे शब्द हैं जो वाक्य में एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर कारक की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगा, यानी कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जुड़ता है या उसके संबंध का हमें पता चलता है, बोध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ने का संबंध प्रकट होता है, दिखाई देता है,
उसको हम कारक कहते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया कि ये सब जो मैंने अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं वही कारक हैं, क्योंकि वे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ रहे हैं, अन्यथा ये अकेले अकेले शब्द से हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक, अब आगे है कारक के प्रकार। कारक के कितने भेद? आपकी किताब में वर्तिका में इस चैप्टर में कारक के भेद वो कितने दिए गए हैं? 8 दिए गए हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के कुल 8 भेद हैं। भेद यानी प्रकार। बाण से मारा, तो जिसकी सहायता से हम
काम करते हैं, जैसे मैंने चाकू से फल काटा, तो जिस वस्तु की सहायता से हम काम कर रहे हैं वो होता है करण कर्म, और उसकी विभक्ति है से, यानी पहचान है से। और चौथा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक यानी जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए, के लिए किसके लिए, राम के लिए, तो के लिए इसकी पहचान होती है। जैसे रिक्शा चालक बच्चों को पढ़ने के लिए, संप्रदान कारक की पहचान है के लिए। और पांचवा है अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान की पहचान भी से है, जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले बोल दिया था मैंने, तो से जो है वो भी अपादान की पहचान है। यहाँ इसमें जो आठ कारक आप देखेंगे, इसमें दो बार से आया है, एक तो करण कारक, लेकिन वो हम जिसकी सहायता से काम करते हैं वो, और दूसरा अपादान कारक यानी दूर जाने की प्रक्रिया। जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूँ, किसकी सहायता से, स्कूल जाता हूँ, किससे, बस से, यानी बस से उतरा, बच्चे बस से उतरे यानी बस से दूर चले गए। और आगे है जैसे बादल से बूंदें गिरती हैं, बादलों से बूंदें गिरती हैं यानी बादल से वो अलग होती हैं, और गंगा हिमालय से निकलती है यानी हिमालय से निकलकर गंगा धरती पर आती है। तो इस तरह से यानी दूर जाने की प्रक्रिया के लिए जब से इस्तेमाल होता है तो वो अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे रिक्शे से ले जाता है उनको स्कूल को, तो ये दूर जाने के लिए इस से का अपादान कारक होता है प्रयोग। और छठवां है संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध जोड़ने वाला शब्द होता है के, का, की, जैसे उसका, उसकी, उसके, ये संबंध जोड़ते हैं। जैसे मोहन का, राम मोहन का भाई है, रमेश के पिताजी आए, गीता की माताजी खाना बना रही हैं, इस तरह से हम गीता की, राम के, रमेश की, तो ये का के की जो होता है वो संबंध जोड़ने के लिए होता है, इसलिए संबंध कारक की पहचान है के, का, की। आगे सातवां है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण मतलब होता है जो आधार ले रहा हो। जैसे किताब कहाँ रखी है, मेज पर, मैंने ये किताब कहाँ रखी, मेज पर, यानी इस मेज के आधार पर ये किताब यहाँ टिकी है। तो और वैसे में, जैसे कमरे में, माँ कमरे में है, इसकी पहचान होती है पर और में। जैसे माँ कमरे में है, किताब मेज पर, तो इसको अधिकरण कारक कहते हैं। या पिताजी कमरे में बैठे हैं, शिवम ने मेज पर बस्ता रखा, इस तरह के उदाहरण से आपको समझ में आएगा अधिकरण कारक क्या होता है। इसकी पहचान पर और में है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, वो भी हो सकता है पर यानी डाल के सहारे उसके आधार पर बैठी है। और आखिरी है संबोधन कारक, आठवां और आखिरी है संबोधन कारक, संबोधन मतलब किसी को पुकारते हैं जब हम आवाज लगाते हैं, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे लड़कों मैदान में पहुंचो, या फिर हम आवाज लगाते हैं अरे सुनो, किसी को
संबोधित करते हैं, हे अरे ऐसा आवाज लगाते हैं, वो सारे संबोधन कारक में आते हैं, जैसे अरे मित्र यहाँ आओ। ठीक, तो इस तरह से आपने आज कारक की पहचान, कारक की डेफिनेशन, परिभाषा और साथ में कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, वो मैंने आपको एक बार पहचान पढ़ाया है। अरे इसकी पहचान अब तो क्या करो, आप अपनी वर्तिका की टेक्स्ट बुक में ये लेसन कारक का खोल के एक बार इसको फिर से रिवाइज करो और फिर इसके अंत में जो वर्कशीट दी गई है वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए भेजूंगी। फिर आप ये सॉल्व करके उसकी फोटो मेरे मेल पर भेजना, ये आपका वर्कशीट होगा। ओके, इस वीडियो के साथ मैं ये वर्कशीट आपको